हेलो रियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट वेलकम टू जेनित गुरु मैं हूं निकी पंडित और आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के माइंड मैप को राइट ऑलरेडी चैप्टर हमारा कंप्लीट है थ्री टू फोर लेक्चर्स में हमने को किया है, बट आज की क्लास में अंदर -अंदर चैप्टर को बाइंड okay? so, बचाने की बात कह रहे हैं क्योंकि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं ठीक है जिनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं कुछ ऐसे एनिमल्स है जो गायब हो चुके हैं कुछ ऐसे एनिमल है जो अपने वर्ड्स पे है कि वो अब एक्सटेंड हो जाएंगे अब वो खत्म हो जाएंगे फिर हमें कुछ टाइम के बाद देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है सो so हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है जैसे कि सबसे पहले फॉरेस्ट ठीक है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को हमें प्रोटेक्ट करना है तो फॉरेस्ट है फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज रेड डेटा बुक एंड कंजर्वेशन सो फॉरेस्ट में क्या होता है देखो फॉरेस्ट को हमने क्लासीफाई किया है डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन सो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्या है जब हम पेड़ों को काटते हैं एक लार्ज स्केल पे

अभी प्रेजेंट है, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकेंगे है ना और इन सब की इन्फॉर्मेशन हमसे हमें कहाँ पे मिलती है रेड डेटा बुक में मिलती है कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जो क्या हो चुके हैं देखो विच हैज लिस्ट ऑफ ऑल दी एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके पास सारे के सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स की लिस्ट होती है कहाँ पे रेड डेटा बुक में समझ में आ गया अब इतना हो गया हमें पता है कि कोई चीज जो है वो बस अपने वर्ष पे है खत्म होने वाली है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा कंजर्व करना पड़ेगा उसको बचाना पड़ेगा बचाने के तरीके बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया है बहुत सारे सेंचुरी पार्क ठीक है इन सब का इन्वेंशन किया है इन सबको अथॉरिटी दी है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ऐसा भी कहा है कैसा कहा है कि हम पेड़ों को नहीं काट सकते हम एनिमल्स को किल नहीं कर सकते अगर हमने ऐसा किया तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी जो पहले से डिसाइडेड है राइट right? नाउ तो यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमने देखा डिफॉर एफॉर रिफॉरिस्टेशन क्या क्या है अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो इसके कॉजेस क्या क्या होंगे यस yes, डिफोरेस्टेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ये फर्स्ट कॉज है डिफॉरस्टेशन का राइट right? इंक्रीज population ठीक है इंक्रीज पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो कॉजेज क्या होंगे इसके कॉजेज होंगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो सबसे पहले समझो डिफोरेस्टेशन हो क्यों रहा है डिफोरेस्टेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज की पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है डिफोरेस्टेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन यहां पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं अब इसके कॉजेस क्या क्या होंगे ठीक है इंक्रीज पोल्यूशन पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगा बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं ठीक है जो डिफोरेस्टेशन होने की वजह से होगा समझ में आ गया नाउ, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फोना बेसिकली फ्लोरा एंड फोना क्या है स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स के पहले हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीशीज के बारे में जानेंगे फिर इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है किन किन तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे राइट सो फ्लोरा एंड फोना सो फ्लोरा एंड फोना क्या होती है स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्लोरा एंड फोना कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साल टीक मैंगो जामुन ब्लू बुल ये सब ये देखो जामुन तक क्या है ये क्या है ये फ्लोरा है फ्लोरा मीन्स ऑफ प्लांट्स राइट फोना मींस स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड ब्लू बुल बाकिंग चीतल लियोपार ये सारे के सारे क्या है फोना है ठीक है एनिमल्स फाउंड एट ए पर्टिकुलर एरिया नाउ अब इनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है तो प्रोटेक्शन के लिए देखो हमारे पास क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बायोस्फीयर रिज़र्व है एंड नेशनल पार्क है तो यहाँ पे हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं प्लांट्स को कंजर्व करते हैं ताकि कोई उन्हें हार्म ना कर सके उनका जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हम इंक्रीज़ कराने की कोशिश करते हैं जैसे आपने टाइगर्स के बारे में सुना होगा कि टाइगर्स की जो प्रजाति थी वो बहुत पहले बहुत ज़्यादा कम हो गई थी सिर्फ 400 टाइगर्स ही हमारे पास बचे हुए थे फिर उनको कंजर्व किया गया ठीक है उनको बचाया गया उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के पीछे काम किया गया है ना तो ऐसे ही ये सारी चीजें क्या है पे एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इनके नेचुरल हैबिटेट में ताकि वो इजीली सरवाइव कर सके राइट सो so सेंचुरी की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक है बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किए मतलब जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहना पसंद करते हैं वैसा ही नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे बनाया जाता है ठीक है और उनमें एनिमल्स को रखा जाता है राइट नाउ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है सारे स्पीशीज आ जाते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं सो लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई प्लस यहाँ पे जो ट्रेडिशनल लाइफ है जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं ठीक है उनके वैल्यूज को भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है राइट सो लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ दाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया तो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो भी वहां पर रहते हैं

कंजर्व किया जाता है क्लियर नाउ तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर का माइंड मैप है ये होता है ओवर आई होप कि चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच